आगे बोला भाई साहब बोलते मैं तो राइट में आ जी ठीक है भाई हम तो लेफ्ट में बैठे हुआ हूं मैं कितने दिनों अंदर जाते हैं Vai, libera, libera. Correct bolna counting. ये पूरा ऊपर का खुला है ये पूरा यानी बाहर से अगर अपन देखेंगे तो पूरा गाड़ी पैक दिखता है लेकिन ऊपर से हवा आने के लिए रखते हैं मनोज भाई मनोज भाई ये फोन ड्राइवर कहाँ गया तीन है मैं तुम्हें तीन गाय हाँ निकिता बाकी का पूरा बयान है ओके इन्हें ने टोटल 20 20 हाँ चौदह बोले भाई तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह अनिल जरा उधर जा अभी तो बैठे हुए रहते भी समझ में नहीं आता तुम आज शाद नगर से मैं एक कार्यक्रम अटेंड करके घर जा रहा था तो एक बिल्कुल पैक डीसीएम मुझे डाउट आया कि इस डीसीएम में कुछ ना कुछ होगा जब हम उस डीसीएम को रोककर उस डीसीएम के डोर खोले तो एकदम हम हैरत में आ गए कि भाई पूरी पैक डीसीएम है और उसमें तीन छोटे गाय और छोटे छोटे गाय के बच्चे जो कि एक स्लैड रोज है बहादुरपुरा वहाँ पर काटने के लिए ले जा रहा था गाड़ी का नंबर है TS12UA1497 और शमशाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में इस गाड़ी को रोका गया तो शमशाबाद पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ में गाड़ी के ऊपर कंप्लेंट और ड्राइवर भी उसके ऊपर भी कंप्लेंट दिया गया ये दुर्भाग्य की बात है कि तेलंगाना का मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूँ और सबसे बड़ा पूजा पाठ मैं करता हूँ तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है और जिस राज्य में गौ माता का खून गिरता है वो राज्य कभी सुखी नहीं रहता ये मुख्यमंत्री को जानने और समझने की आवश्यकता है आज हजारों की तादाद में
गाय, छोटे छोटे गाय के बच्चों को ये MIM के यानी असदुद्दीन ओवैसी की सांसद एरिया में ये स्लेटर हाउस आता है। ऐसे कई स्लेटर हाउस असदुद्दीन ओवैसी की पार्लियामेंट क्षेत्र में है और इनलीगल रूप से ये असदुद्दीन ओवैसी गाय कटवाता है और मांस को इनलीगल रूप से बाहर एक्सपोर्ट करवाता है। तो मुख्यमंत्री जी, आप भी एक बहुत बड़े पाप के भागीदारी बन रहे हो, क्योंकि एक तो आप गौ हत्यारों का साथ दे रहे हो, दूसरी बात आपके इस राज्य में गाय कट रही है। और दुर्भाग्य की बात है, जब हम पुलिस स्टेशन ले गए केस करने के लिए तो इंस्पेक्टर पूछता है ये आपका काम नहीं है, ये हमारा काम है। तो मैं पुलिस के अधिकारियों से DGP को कहना चाहूँगा कि गौ रक्षा करना ये तुम्हारा भी काम है। सुप्रीम कोर्ट के कानून के अनुसार गाय हो, बैल हो या बछड़ा हो, किसी प्रकार का नहीं कटना चाहिए, ये तुम्हारा भी काम है। मैं तेलंगाना राज्य के DGP को भी कहना चाहूँगा और सावधान करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, ये जो पुलिस का जो रवैया है ये चेंज आने की आवश्यकता है, नहीं तो आज हम हाथ जोड़कर गौ रक्षा कर रहे, एक समय ऐसा आने मत दे जब हम हाथ में लाठी लेकर गौ रक्षा कर रहे, ये समय आने ना दे, मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूँगा।